नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। फिर कई हिंदू संगठन इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं और जिसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई हिंदू संगठन इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं, जिसे लेकर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने बिना किसी फिल्म या अभिनेता का नाम लिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिल्में एंटरटेनमेंट का साधन होती है, लेकिन बीजेपी ने इसे भी सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नफरत की तलवार से सिनेमा को भी दोफार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिनेमा को लेकर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला किया। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दोफार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। दरअसल अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। इससे पहले उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड को लगातार बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से कई बड़े बजट की फिल्में भी सिनेमा में दर्शकों के लिए तरस गई और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। कभी किसी फिल्म कंटेंट या किसी पुराने बयान को लेकर विवाद हो जाता है और फिर फिल्मों के बॉयकॉट के लिए सोशल मीडिया पर फिल्म के बॉयकॉट की एक मुहिम छेड़ दी जाती है। इसकी वजह से बॉलीवुड को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।